ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ भेल भोपाल अप्रेंटिस भर्ती 2019 के बारे में। तो चलिए आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी दे देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BHEL भी बोलते हैं। नेम ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस की है। नंबर ऑफ पोस्ट 229 है, यानी कि इसके अंदर कुल 229 पद निकाले गए हैं। जॉब लोकेशन मध्य प्रदेश भोपाल, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर होगी। कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब्स, ये भर्ती गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 1 जनवरी 2019 है। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 21 जनवरी 2019 है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट 28 जनवरी 2019 है। और एग्ज़ाम डेट मार्च 2019, यानी कि आपका एग्ज़ाम मार्च 2019 में होगा। ऑफिशियल वेबसाइट www.bhelbpl.co.in, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। अब मैं आपको इस भर्ती का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। सबसे पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपके पास कंप्लीटेड बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द रिलेवेंट ब्रांच विद ए मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 70% मार्क्स, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। और आपके पास जो आपकी वही ग्रेजुएट डिग्री है, उसमें कम से कम आपके 70% मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट्स हु वांट टू अप्लाई डिप्लोमा अप्रेंटिस पोस्ट, यानी कि जिन लोगों को डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना है, ये जो मैंने अभी आपको जानकारी बताई है ग्रेजुएट अप्रेंटिस की क्वालिफिकेशन के बारे में। और अब मैं आपको बता रहा हूँ डिप्लोमा अप्रेंटिस पोस्ट के बारे में। दोस्तों, इसके लिए आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफिस मैनेजमेंट फॉर टेक्नीशियन अप्रेंटिस इन द रिलेवेंट स्ट्रीम, यानी कि आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफिस मैनेजमेंट में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अब मैं आपको एज लिमिट के बारे में भी बता देता हूँ। मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है, यानी कि जिन आवेदकों की उम्र 18 साल से लेकर 35 साल के बीच में है, वही लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस, यानी कि जो लोग इस भर्ती के लिए आवेदन करेंगे, उनको एप्लीकेशन फीस के रूप में कितने रुपए देने होंगे। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसका एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर रीड कर ले। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो दोस्तों, आपका सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। सैलरी, दोस्तों अब मैं आपको सैलरी के बारे में बता देता हूँ, यानी कि इन पदों पर नियुक्त हो जाने के बाद आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। दोस्तों, आपको इन पदों पर नियुक्त हो जाने के बाद जो सैलरी दी जाएगी, वो 28,000 रुपये से लेकर 38,100 रुपये पर मंथ दी जाएंगी। ये जो जानकारी आप यहाँ वीडियो में देख पा रहे हो, ये वेबसाइट के अंदर गलती हुई है, क्योंकि 4,000 तो अब किसी को भी नहीं मिलती, क्योंकि तो इसलिए मैं आपको बता दूं, जो आपको सैलरी दी जाएगी, वो मैक्सिमम सैलरी आपको 38,100 रुपये दी जाएगी। अब मैं आपको वैकेंसी डिटेल के बारे में बता देता हूँ। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए कुल 138 पद है, इसमें केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 पद है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3 पद है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के लिए 4 पद है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 43 पद है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 3 पद है, इलेक्ट्रिकल्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 13 पद है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए 7 पद है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 1 पद है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 पद है, मेटलर्जी के लिए 2 पद है, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के लिए इसमें शायद कोई पद नहीं दिखाया गया है। डिप्लोमा इंजीनियर की के लिए कुल पद 51 है, इसमें अब मैं आपको डिसिप्लिन वाइज बताता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग के लिए इसमें 5 पद है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 24 पद है, इलेक्ट्रिकल एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 2 पद है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 40 पद है और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के लिए 20 पद है। अब मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई ऑनलाइन लिंक के बारे में जानकारी दे देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स बताता हूं। इसमें आवेदन करने की जो शुरुआत तिथि है वो 2 जनवरी 2019 है, और आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी 2019 है, और इसमें जो आपको पेमेंट करने की लास्ट डेट दी गई है वो 28 जनवरी 2019 है, यानी कि आपको अपनी एप्लीकेशन फीस 28 जनवरी 2019 से पहले ही जमा करानी होगी, और आपका एग्ज़ाम मार्च 2019 को होगा, यानी कि आपका एग्ज़ाम मार्च में लिया जाएगा। अब मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई ऑनलाइन लिंक के बारे में जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, अगर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है या आपको उसको रीड करना है, तो आप डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसको रीड भी कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी दे रहा हूं, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली उस पेज पर चले जाओगे जहां पर आपको वेबसाइट के अंदर रजिस्टर होना है, और रजिस्टर होते ही आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक का यूज करते हुए डायरेक्टली उस पेज पर चले जाना है जहां पर आपको अपना फॉर्म भरना है, और आप अपने फॉर्म के अंदर वो सारी जानकारी वहां पर भर देनी है जो कि वहां पर मांगी गई है, जो कि एक बहुत ही आसान तरीका रहेगा। अब मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा रहा हूँ।
दोस्तों आप में से कुछ सारे लोग मुझ कुछ कुछ लोग मुझको बोलते हैं कि आप गलत जानकारी देते हो, तो इसलिए मैं आपको इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा रहा हूँ। जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसमें आप अन्य जानकारी भी देख सकते हो, जैसे कि किस डिसिप्लिन में कितने पद निकाले गए हैं और कितनी वैकेंसी डिटेल है और पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो, जो डिटेल्स मैंने बताई है वही डिटेल्स यहां पर दी गई है, जैसा कि रिजर्वेशन एंड रिलेक्शन के लिए भी आप यहां पर देख सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, जो डिटेल्स आप मैंने वीडियो में नहीं बताई है उसके अतिरिक्त अलावा भी यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ और सवालों के जवाब चाहिए तो उसके लिए आप इसको रीड जरूर कर लेना, क्योंकि मैं प्रत्येक वीडियो में बोलता हूँ कि प्लीज़ आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर करें, क्योंकि इसमें और भी अन्य जानकारी दी हुई थी। लेकिन मैं आपको एक जो रेट ऑफ स्टाइपेंड जो आपको सैलरी दी जाएगी दोस्तों, ये तो 6,000 पर मंथ और 4,000 पर मंथ, यानी कि आपको इतनी ही सैलरी दी जाएगी दोस्तों। ये मैं आपको गलत जानकारी पहले दे दी, इसलिए मैं आप माफ़ी चाहता हूँ कि जो जानकारी आपको सैलरी दी जाएगी रेट ऑफ स्टाइपेंड वो 6,000 पर मंथ और 4,000 पर मंथ ही होगा। और दोस्तों अगर आपको यहाँ से कोई डिटेल समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द जवाब दूँ। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में बस आपसे ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बैल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि उसी से आपको जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा मिलती रहेगी। चल चल।